खबर बिहार के ठकराहा प्रखंड से है, जहां पर आंगनवाड़ी की बहाली का पर्दाफाश हुआ। दरअसल आपको बता दें कि ठकराहा प्रखंड के अंतर्गत आंगनवाड़ी में बहाली नियम कानून को ताक पर रखकर सिर्फ पैसों के बल पर की जा रही है। पूरा मामला आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले आंगनवाड़ी द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए बहाली निकाली गई, जिसमें जाति की बहुलता पर सीट का चयन किया जाता है। पर आंगनवाड़ी के कर्मचारियों द्वारा बहाली का आवेदन लेने के उपरांत अचानक से बहुलता की श्रेणी बदल दी जाती है और पुनः आवेदन लिया जाता है, जिसको चरणबद्ध किया जाता है, जिसकी पुष्टि ठकराहा प्रखंड के जगीरहा पंचायत के भेड़ियारी टोला क्षेत्र में बहाली के समय यह मामला सामने आया। 30,000 रुपया लेकर हमसे पूछे कागज दिए हैं, बोले हैं 30,000 रुपया लिए हैं, अब बोले हैं कि ससुराल का जाति लगा है खाना खातून में। ससुराल का जाति लगा है, कौन दिया है? इनका सब प्रूफ भी हमको वही दिए हैं। पैसा कौन दिया है? पैसा कौन दिया है? हम दिए हैं। अब बोले जाति ससुराल का लगा है, लगा है। सामने था, पैसे दिए थे, कोई सामने था? हम नहीं हूँ। कौन था वो सामने? कौन सामने रहेगा? घर में नहीं हूँ, घर में नहीं, घर में आए थे हमारे, हमारे घर में आए थे, हम नहीं हूँ। बतियाओ ना ना, आपका क्या नाम? घर में आए थे, ये दिल से ना कही, ये दिल से ना कही। संजू देवी, संजू देवी। आपको बता दें कि बहुलता बदलने का वजह कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों की कमी और लापरवाही है, या फिर वजह पैसा भी हो सकता है। तो वहीं जगीरहा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में भी यह मामला सामने आया है, जहां पर LS ममता कुमारी द्वारा बहाली के नियम और शर्तें भी बताई गई। द्वितीय अभ्यर्थी संजू चौधरी द्वारा प्रथम अभ्यर्थी अफसान खातून पर आरोप लगाया गया कि इनकी दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता गैर कानूनी है। दो जगह का निर्वाचन कार्ड और तीसरे जगह का आधार कार्ड होने के बावजूद भी इनकी बहाली की गई। साथ ही संजू चौधरी ने यह भी बताया कि प्रथम आवेदिका अफसाना खातून की जाति प्रमाण पत्र भी कहीं न कहीं फर्जी है, जिसको गहनता से जांच किए बगैर ही LS ममता कुमारी द्वारा बहाली कर नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। और यह पूरा मामला संज्ञान में लेते हुए CDPO अरुणा कुमारी से जब हमने बातचीत की और उनसे इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो CDPO ने भी यह स्वीकार कर लिया कि इन सभी बहालियों में कहीं ना कहीं विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही है, जिस वजह से बहाली एक आम सभा के आयोजन में हो जाना चाहिए, पर आम जनता की आपत्ति की वजह से बहालियों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता ने यह आरोप लगाया है कि आंगनवाड़ी की बहाली सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर की जा रही, ना कि पात्रता के आधार पर। आइए देखते हैं धीरज श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। ये जो जगीरहा पंचायत के वार्ड नंबर 10 में जो बहाली कार्यक्रम था अभी आप लोगों का आम सभा का आयोजन, अचानक निरस्त क्यों हुआ? ये 5वां चरण का जो ये मेधा सूची है, वार्ड सदस्य जी और यहाँ के आम पब्लिक जो भी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 5वें चरण के हिसाब से करना है, इसलिए स्थगित हो गया है। आखिर 5वां चरण की बात कैसे आ गई? अभी तक जो आपके हाथ में लिस्ट है, उस लिस्ट में आवेदकों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा है, और यहाँ पे जो जिक्र हो रही है वो सिर्फ एक आदमी के लिए हो रही है। 5 चरण में हुआ है, यहाँ पे ये मेधा सूची निकला हुआ है, अप्लाई की हुई है लोग, 182 नंबर लेटर है, जिसमें मतलब सभी चरण वाले को सम्मिलित करके उसमें जो बहुल वर्ग से आ रहे हैं उन्हीं का लेना है। अध्यक्ष जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस सभा में थे, और आप ये क्लियर कर सकते हैं कि ये मेन उद्देश्य क्या है इस आम सभा का, और पब्लिक क्या चाहती थी और डिमांड क्या था, और क्या यहाँ पे बहाली किस तरह का होना था? पब्लिक का ये था कि 5वें चरण में जो ऑनलाइन हुआ है उसी आधार पर जो कि बहाली होना चाहिए। उसके बाद से ऑनलाइन करने का क्या कारण था? ऑनलाइन 5वें चरण में बहाली आपका आवेदन हो गया 23 दिसंबर को, 5वें चरण के बहाली के लिए आम सभा किया गया था। कुछ लोगों के द्वारा जो है कि झगड़ा करने के विपक्ष के द्वारा जो है कि नहीं हो पाया, तो फिर बोला गया कि फिर दूसरे बार आवेदन निकलेगा, तो दूसरे बार आवेदन तो 5वें चरण का होना चाहिए ना। यानी कहने का मतलब दूसरी बार जब आवेदन हुआ है तो उसमें अन्य लोग भी आवेदन किए हैं? नहीं, वो 2019 में आवेदन हुआ है, और ये जो 23 दिसंबर को जो आम सभा होना था वो 2020 में हुआ है। तो 20 वाला पे जो हमको बुलाया गया, हमको दिया गया कि हाँ 20 में आपको बहाली करना है, तो 20 में हम जानते हैं ना, फिर 19 को कहाँ से आ गया? अच्छा, ये मामला इस वजह से ये स्थगित कर दिया गया। जो 5वें पेज का आवेदन आया था उसमें कुछ भी नियम का पालन नहीं हुआ था। नियम के हिसाब से
दो सार्वजनिक जगह पे रोस्टर लगाना चाहिए, एक तो ब्लॉक पे और एक आंगनवाड़ी केंद्र पे, जो कि नहीं लगाता, ठीक। और सेकंड पे नंबर दो न्यूज़पेपर में जो भी लोकल के यहाँ पे न्यूज़पेपर उनके में विज्ञापन देना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया इनके द्वारा, इसलिए हमने पांचवें चरण को आपत्ति लगाया। सर मेरा ये पांचवें चरण में फॉर्म फिर क्यों लिया गया है, किस हिसाब से लिया गया है, किस हिसाब से? आपका कहना है कि आपका जो फॉर्म है ये लिया गया ऑनलाइन पांचवें चरण में लिया गया, जिसके आम सभा लगी थी 23 दिसंबर को, वो स्थगित हो गई, वो स्थगित हो गई, फिर हमें दूसरा डेट दिया गया। और आप आज आके कह रहे हैं कि हम 2019 का फॉर्म उठाएंगे, किस बेस पे आप उठाएंगे, जब हमें हम 2020 में आवेदक हैं, तो किस बेस पे आप 19 का फॉर्म उठाएंगे? जी जी जरूर जरूर, धन्यवाद। चयन समिति के संदर्भ में चयन समिति के दो सदस्य किसी भी परिस्थिति में पोषक क्षेत्र वार्ड की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना है। मैपिंग पंजी को अंतिम रूप देने के लिए महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा इसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय या वार्ड या पंचायत कार्यालय, वार्ड आयुक्त, नगर निगम परिषद कार्यालय, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एक सप्ताह तक प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशित हुआ होगा मैपिंग पंजी का बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। मैपिंग पंजी में किसी भी प्रकार किसी भी परिवार का नाम छूट जाने पर महिला आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए, जैसे ये आपका मैटर है, रिक्ति है उनका है, मान लीजिए यहाँ में रिक्ति है ना, इसमें दिया है आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन के माध्यम से कराया जाएगा, जिसमें आवेदन प्राप्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। विज्ञापन में आंगनवाड़ी सहायिका सेविका के चयन की अर्हता और वार्ड की आम सभा का स्थान तिथि समय का उल्लेख रहेगा। भीत पत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास योजना पदाधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाया तो अगले सप्ताह उसी दिन उस समय को आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक हारिए का ओरिजिनल है यहाँ पे चुनाव है ना, यहाँ चुनाव वाली है ना, आप देखिए गृह संख्या इस वोटर लिस्ट में क्या है, आयुष में क्या है, उससे गलती नहीं है मैं जो है बताते 12 का ठीक है, कोई 12 है 13 11 14 12 लगाया था कि यहाँ के निवासी नहीं है। वीडियो के इन्होंने आवेदन दिया, स्थानीय सीडीपीओ को इन्होंने आवेदन दिया, आवेदन के आलोक में वीडियो ने लिखा कि जेएसएस महिला प्रवेशिका ठकरहा, जांच कर प्रतिवेदन दे देना वाला सब प्रतिवेदन ये है उत्तर प्रदेश, इसके बाद से ये चला गया। इसमें देखिएगा तो दरोगा चौधरी के वार्ड सदस्य है, उनकी पत्नी आई वोटर लिस्ट में इनका भी नाम है, वो भी कहीं हमला कर देने कहीं इस्तीफा देंगे दरोगा एक पक्ष से, ये मुखद कौन है? जांच के बाद से पूरा घर पर आकर के आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद आसपास के लोग कहाँ थे? आपके मुस्लिम पार्टी के 8-10 लोग थे? नहीं कहा है, ठीक है मान रहे बात है, हमारे घर से कोई नहीं पा हो गया सुनिए, कागज पेपर में बात कीजिए। 2016 में ये जो है वो खुद गलत है, जिससे इनका नहीं है कहाँ नाम है कहाँ नाम है, क्योंकि सही जानकारी इनको प्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिए आधार पर उन्होंने आवेदन लिख दिया था। जांच होकर के पूरा 1 by 1 जो है यहाँ पर महिला प्रवेशिका और ये सब ये रिपोर्ट भी आपके पास एक कॉपी होगा, और जो भी हुआ है जो भी हुआ मानते पंचम को पूछिए, उसमें
आपके पार्टी पर्दा थे यही ना थे? हम बता रहे कौन कौन थे? सुखदेव ठाकुर थे। आप बुलाइए सुखदेव ठाकुर, बुलाइए सभी लोग पत्रकार महोदय है, पत्रकार है, पत्रकार रुपया कागज दिए हैं और बोले हैं 20,000 रुपए लिए हैं और बोले हैं कि ससुराल का जाति लगा है अफसाना खातून में। किसे 30,000 रुपए लिए हैं? इनका सब प्रूफ भी हमको वही दिए। पैसा कौन दिया है? पैसा कौन दिया? हम दिए हैं। बोला कि जाति ससुराल का लगा है। लगा है? सामने था, पैसे दिए थे तो कोई सामने था? हम नहीं हूँ। कौन था वो सामने? कौन सामने रहेगा? मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। घर में आए थे हमारे, हमारे घर में आए थे, हम नहीं हूँ। ये पूछिए नहीं था। हमारे घर में आए थे। बतियाओ ना ना। आपका क्या नाम? घर में आए थे। ये दिल से ना कोई, से दिल से ना कोई। संजू देवी, संजू देवी। वीडियो साहब का लगा के देले बानी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के दे देले बानी, सीडीपीओ मैडम लगले नहीं तो सीडीपीओ मैडम कहतनी कि गब्बू सिंह के अभी बहाली रुकल बाटे और तब तक कोनो काम निर्णय ना होई, तो हम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अनुमंडल बगहा में हम देले बानी आवेदन। सब में आप ये आधार कार्ड लगाई हैं? हां साथ में लगाई हूं, सब प्रूफ साथ में लगाई हूं, अभी नहीं दी हूं। इसमें मैडम को भी अभी सुबह के डेट में मिला है ये इसी का, तो मैडम बोले हल हल्ला नहीं हो गया ना। हम तो जो गड़बड़ी रहा तो हम तो हम लिख देले बानी। ई बताई 2016 के मैं भी पंजी में क्या से नाम मांगे तो वो तो लिखा है नहीं है नाम मांगे मैं भी पंजी में करूंगा। ये पास ना होता पहले 2 नंबर, 1 नंबर वार्ड में थे। हां कि ना लड़े 2016 में अब 2 नंबर में आया। अब मैं भी पंजी में कहां जाके नाम मांगे इनका? हमको जो है 30 साल हो गए, 30 साल पीछे रही स्पष्ट स्पष्ट हो गया। अरे सब गिरा किसर बनाओ बेटा, मेरे मोबाइल से चेहरा है ना घुमा लियो, प्रोसीडिंग में लिख दिया उसके बाद ये लोग अब कोर्ट के चेहरा ना घुमाओ, चेहरा घुमाओ तभी ना किसी के खिलाफ कोई जाएगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं ठकराहा प्रखंड के आंगनबाड़ी कार्यालय में और आइए बात करते हैं सीडीपीओ मैडम से और जानकारी लेते हैं क्या कि आंगनबाड़ी के तहत जो वैकेंसी और बहाली की जा रही है वो स्थगित क्यों हो रही है और एक बार में फाइनल क्यों नहीं होती है, जिसके लिए 2-3 बार मीटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। और जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस समय वर्तमान में हैं उनके अंदर अनियमितता और साथ ही लापरवाही, पोषाहार से संबंधित शिकायत, इसका निष्पादन के लिए क्या किया जा रहा है मैडम? हो रहा है आम सभा में कभी कभी किसी जगह पर ऐसा होता है कि इसमें ग्रामीणों में आक्रोश होता है, आम सभा ग्राम स्थल पर जाकर किया जाना है, जिसके कारण कुछ असामाजिक तत्व जो चाहते भी नहीं हैं कि बहाली हो जाए आम सभा में, उन्हीं लोग के द्वारा कुछ ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाता है जिसके कारण से वहाँ आम सभा नहीं हो पाता है। और जो भी है 1-2 बार ही आम सभा होना है, अगर उस अगर 2 बार आम सभा रद्द हो जाता है तो वहाँ फिर विशेष आम सभा किया जाना है, तो वो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में या फिर उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के अध्यक्षता में होना है। मैडम क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके यहाँ इस क्षेत्र में जो भी सर्वेयर हैं, जैसे आप लोग कैटेगरी वाइज सिलेक्शन करते हैं, जिसकी आबादी होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसी वाइज आप लोग सिलेक्शन करती हैं, क्या मैं ये जान सकता हूँ क्या कि अभी कोई भी वैकेंसी, किसी भी वैकेंसी को ठकराहा प्रखंड में उठा के देख लीजिए, एक ऐसा है क्या कि किसी की कैटेगरी वर्तमान समय में BC रखी गई है, बैकवर्ड, ठीक, या पिछड़ा रखा गया है, पिछड़ा के अचानक तुरंत बाद वो अति पिछड़ा हो जाता है, पिछड़ा में 2 आवेदन पड़ता है, फिर उसके 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पता चलता है क्या कि उसको श्रेणी चेंज कर दिया गया और फिर आवेदन जो आपकी पड़ती है वो अति पिछड़ा हो जाता है, इसका कारण आप बता सकती हैं? ऐसा तो अभी वर्तमान में ठकराहा में ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पर पहले किसी और का बहुलता और अचानक से आम सभा के पहले बहुलता चेंज हो गया हो। ऐसा मामला सामने है, आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक जी को बुला सकती हैं और आप इस समय तो अगर किसी क्षेत्र का है तो आप उनको बताएं तो उसके बारे में। मैडम एक क्षेत्र नहीं है, हमारे संज्ञान में कम से कम लगभग जितने भी बहाली 2021 के तहत योजनाएं रखी गई हैं और मीटिंग रखी गई हैं, दिसंबर के बाद आप मान के चल सकती हैं 2020 से अभी तक के बाद हमारे यहाँ सिर्फ एक ही आम सभा हुआ है।
एक आम सभा हुआ है, एक ही जगह चयन होना था जो मैडम हमारी निगाह में दो जगह आम सभा है जहाँ पे मैं प्रस्तुत उपस्थित था और एक में बहाली की गई है। 21 जनवरी में आप हमारे यहाँ तो यहाँ पे हुआ है एक भेड़ियारी टोला का मामला है टोला में और एक हमारा फरवरी में हुआ है, दो जगह का है फरवरी में हुआ है आपका ये भतावा में। मैडम जान सकता हूँ आप दरअसल ये डॉक्यूमेंट मंगा के आप चेक कर सकती हैं और प्रस्तुत मुझे ये चीज चाहिए कि ऐसा वजह क्या है कि जिस वजह से ये श्रेणी चेंज कर दी जा रही है जाति चेंज नहीं हो रहा है श्रेणी चेंज नहीं हो रहा है बहुत पहले अगर मान लीजिए जो आप भतावा वहाँ भेड़ियारी टोला की बात कर रहे हैं वहाँ पर पहले था 10th पिछड़ा वर्ग का ही बाहुलता था और उसके बाद शायद पिछड़ा वर्ग हुआ फिर वो आखिर ये कारण क्या है पिछड़ा वर्ग क्यों हुआ जो हमारा महिला पर्यवेक्षिका है या फिर जो सेविका उससे मैं सर्वे की यानी कहीं ना कहीं लापरवाही है आंगनबाड़ी के तरफ उन लोग के द्वारा गलत सर्वे किया गया जिस पे सर्वे का प्रकाशन किया गया तो वहाँ के लोगों द्वारा आपत्ति भी दिया गया तो उसका मैडम जहाँ तक आम जनता की ये शिकायत है क्या कि ICDS कार्यालय से पैसे और दलाली का मामला आ रहा है और दलाली के तहत ये सर्वे बदल के दोबारा बहाली और दोबारा आवेदन कराया जा रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल निराधार है ऐसा मेरे ऑफिस से कुछ ऐसा नहीं है ठीक है जो भी है न्याय संगत है नियम संगत है नियमानुकूल ही हो रहा है नहीं ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि उसको खुद अब हम संज्ञान में लेंगे खुद से उसका जाँच करेंगे ठीक है क्योंकि ये मामला मुकदमे तक जा सकता है पब्लिक में बहुत आक्रोश है आपके पास बहुत आवेदन पड़ा इसके तहत कि हाँ मेरा पिछड़ा था अब अति पिछड़ा का सीट हो गया ऐसा अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं आगे आगे से इस पे जो भी हुआ है पूरा नियमानुकूल हुआ है नियम को ताक पर रखकर कोई काम नहीं। मैडम एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो भी जाति बन रहा है जाति प्रमाण पत्र और बिहार में दोनों का मानक अलग अलग है क्या इस जो आपकी आवेदनकर्ता है आवेदिका है वो UP की निवासी है और वो श्रेणी बिहार में मान्य नहीं होता है तो क्या आप ये बता सकती हैं उस उपरांत एफिडेविट की जरूरत है बिहार में उसको प्रूफ करने के लिए कि जो बिहार उत्तर प्रदेश में जाति और बिहार में जाति की जो डिफरेंस आ रही है उसके लिए एफिडेविट क्या हो सकता है जो जिस प्रदेश का जो जाति बना हुआ है उसके अनुसार जो कैटेगरी है वही मान्य होगा उसके लिए एफिडेविट का जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो निर्गत है किसी ना किसी जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ BC तक सीमित है बैकवर्ड क्लास पिछड़ा और बिहार में अति पिछड़ा का भी है ठीक है तो ये तो मान्य कैसे होगा इसका कुछ आप सोल्यूशन बताएं इसका तो अभी हमको अपने वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन लेना होगा इस संबंध में क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में बहाली हुई है वार्ड नंबर 2 में भतावा में वहाँ का ये मामला अस्पष्ट है कि उनके यहाँ जो है उत्तर प्रदेश का जो निवास है वो बिहार में जो निवास है दोनों सामान्य नहीं है दोनों में डिफरेंस है क्योंकि अत्यंत पिछड़ा का मामला है और पिछड़ा का जाति प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश का और बिहार में वो अत्यंत पिछड़ा में काउंट होता है या अति पिछड़ा में काउंट होता है क्या आप इसके वजह से बहाली कर दी गई क्या सही की गई उसके लिए मार्गदर्शन लिया जाएगा वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन तो काम करने से पहले लेना चाहिए ना मैडम वर्तमान समय में वो बहाली हो चुकी है बहाली हो चुकी है बहाली तो हमारे वहाँ जाकर महिला परीक्षा करती है जो जिला से ही आती है हमारे परियोजना की तो होती ही नहीं है अब उसके बाद वो मेरे अधिकार क्षेत्र का है नहीं आम सभा तक वो उसके अधिकार का अब चयन हो गया उसके बाद अगर जो जिसका नहीं हुआ है या फिर जो असंतुष्ट जिसको लग रहा है जैसे आप ही बोल रहे हैं कि वहाँ पर पिछड़ी आ रहे अत्यंत पिछड़ा को लेकर मैटर है ये मैम एक ही जगह की मामला नहीं कई जगह आती है श्रीनगर में भी ये मामला है अपील में हमारे यहाँ अपील में आएंगे उसको सुन लिया जाएगा देख लिया जाएगा जो भी है और जो सही होगा वही यहाँ से उसका दीपक जी आपसे एक सवाल होगा क्या कि ये जो भेड़ियारी टोला का मामला है भेड़ियारी टोला जिसमें कैटेगरी चेंज की गई है वजह क्या थी देखिए वजह हुआ था कि एक बार जब शुरू थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में जब 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 मैपिंग हुआ था तो वार्ड 10 आए थे बहाली निकलने से पहले बोले थे कि लोहार जाति का आप लोग या आपके कर्मी वहां पे सर्वे नहीं करने गए थे कि आप वार्ड 10 से सलाह ले रहे थे नहीं 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 वार्ड 10 सलाह नहीं लिया गया वार्ड 10 आए थे मैडम से मिलने पूर्व पदाधिकारी थी कलावती मैडम तो उस समय करेक्शन किया गया लोहार जाति ट्रांसफर किया गया तो पिछड़ा से अति पिछड़ा से पिछड़ा हो गया फिर जब फिर कोई सुधा पॉल पूजा पॉल कंप्लेंट किया DM साहब के यहाँ तो जांच में भेजा गया LS को तो उस समय अपना जाति बोलता चेंज हो गया मैडम मैपिंग पंजी मार्गदर्शिका कहता है हमारा कि मैपिंग पंजी पे वार्ड सदस्य का संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर अनिवार्य है मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ऐसा नहीं कि मुझे रूल जानकारी नहीं था जब पहली बार आपने बैकवर्ड कर दिया BC कर दिया उस समय भी आपने वार्ड सदस्य का साइन लिया होगा हाँ वो लिया फिर दोबारा आपने जब EBC कर दिया तब भी आपने साइन लिया होगा वर्तमान में नहीं था उस समय जो पदाधिकारी सुन लिया जाए
एक्चुअली हुआ क्या है कि अति पिछड़ा का प्रकाशन हुआ था फर्स्ट दीपक जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जब भी आपने कैटेगरी चेंज किया है तब तब वार्ड सदस्य साइन किया है या नहीं? हाँ, किया हुआ है। क्या वो वार्ड सदस्य बेवकूफ है कि ऐसा साइन करता रहेगा हर समय? और ये आपका सर्वे जो हो रहा है, नियम है मैपिंग जब होगा, मैपिंग जब किया जाएगा तो वार्ड सदस्य और एलएस का साइन चाहिए। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर्वे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तभी तो बार बार चेंज करने का। ये सर्वे कहीं गलत हुआ था, फिर दोबारा लास्ट टाइम जब चेंज हुआ है, जांच हुआ, इसी वजह से अभी तक वहाँ की बहाली नहीं हो पाई, यही कारण है। बहाली नहीं होने का कारण है, विभागीय द्वारा हम लोग पत्र मिला कि अब तक किसी भी जाति बहुलता के कारण अगर मैपिंग में बदलाव हुआ है और फिर से नया आवेदन हुआ है तो सारे आवेदनों को जोड़ के एक साथ आवंटित सूची बना के ही चयन किया जाएगा। कैमरामैन नितेश तिवारी के साथ धीरज श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़, ठगरा।